सार्क, ये नाम सुनकर ही दिमाग में खतरनाक मछली आती है जो इंसानों पर अटैक करके उन्हें शिकार बना लेती है। अब सार्क क्या है, इसकी कितनी स्पीसीज है, कितनी खतरनाक है कितनी नहीं, ये तो हमें सार्क की दुनिया में जाकर ही पता चलेगा। सार्क एक फिश है जिसकी 350 से ज़्यादा स्पीसीज मौजूद है, जिनमें से कुछ सार्क आपके हाथ में समा जाए तो कुछ की लेंथ एक ट्रक जितनी है। सार्क पूरी दुनिया में पाई जाती है, ये करीबन 300 मिलियन साल से अस्तित्व में है। वैसे तो सार्क को समुद्र में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सार्क नदियों में भी देखी जा चुकी है। आमतौर पर सार्क में 5 गिल पाए जाते हैं, लेकिन ब्लंट नोज 6 गिल सार्क में 6 गिल पाए जाते हैं। अब समुद्र में कुछ जीवों के शेप को देखकर ही हैरानी होती है, जैसे हैमरहेड सार्क। इनका हेड चौड़ा होता है, दोनों छोर पर इनकी आंखें होती है, इसलिए ये अपना सर मूव करते रहते हैं जिससे ये हर डायरेक्शन में देख सके। आमतौर पर इनका खाना फिशेस, लेस, ऑक्टोपसेस, स्क्वर्ट्स आदि होते हैं। इनके कुछ ही अटैक्स इंसानों पर देखे गए हैं। इनका हेड थोड़ा अजीब जरूर है, पर इसमें कमाल की चीज़ होती है, इनके सर में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को पहचान लेते हैं। इस कारण ये एक अच्छे शिकारी होते हैं। अगर उनका खाना रेत में भी छिपा हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर शिकार कर लेते हैं। इनकी लंबाई 11 से 20 फीट तक होती है और इनका वजन 230 से 450 केजी तक का होता है। इन्हें गर्म एरियाज में रहना ज़्यादा पसंद है। सार्क में सबसे बड़ी सार्क है वेल सार्क। ये वेल नहीं होती, बस वेल जैसी दिखती है। वैसे तो ये 4 फीट तक अपना मुंह खोल लेती है और एक डरावना लुक आता है, पर ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ये 1000 मीटर से भी ज़्यादा नीचे तक तैर सकती है। वैसे पूरी दुनिया में पाई जाती है, पर इन्हें गर्म एरिया ज़्यादा पसंद है। इनका खाना प्लैंकटन, फिश, एग्स एटीसी है। समुद्र के डरावने जीवों में से एक ग्रेट व्हाइट शार्क। ह्यूमंस पर इसके अटैक्स की कहानियाँ लोगों में प्रचलित है। इसकी बॉडी मस्कुलर और ऐसी बनी होती है जिससे ये तेजी से तैर सके, और इसी से ये एक अच्छी शिकारी होती है। वैसे ग्रेट व्हाइट शार्क अकेले रहना और शिकार करना पसंद करती है, लेकिन कभी कभी ये साथ में भी शिकार कर लेती है। लेकिन ये जिसके साथ शिकार करती है उस पर आमतौर पर हमला नहीं करती। इसकी लंबाई 20 से 26 फीट तक होती है और इनका वजन 2000 केजी या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इन्हें सील्स, डॉल्फिन और बड़ी मछलियाँ खाना ज़्यादा पसंद है। व्हेल शार्क के नीचे जिसका नंबर आता है वह है बास्किंग शार्क। ये भी वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। ये करीबन 33 से 49 फीट तक होती है। इसका वजन 6000 केजी तक का हो सकता है। गहरे समुद्र में रहने वाली छोटी शार्क स्पिंड पिग्मी शार्क है। ये अपने शिकारी को चकमा देने के लिए अपने पेट से लाइट इमिटिंग ऑर्गन से ग्लो करती है। इसकी लंबाई 10 इंच तक होती है। ये अटलांटिक, वेस्ट इंडियन और वेस्ट पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। आमतौर पर ये स्क्वेयर्स, स्मॉल फिशेस और श्रिम्प्स खाती है। और भी कई सारी शार्क है, जैसे 7 फीट लंबी लेपर्ड शार्क। इसके ऊपर लेपर्ड की तरह पैटर्न बने होते हैं, इसलिए मछुआरों में पॉपुलर है। अटलांटिक एंजल शार्क, इसे सेंट डेविल और मॉन्क फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर सी फ्लोर पर रहना पसंद करती है। इसकी बॉडी का फ्लैट होना और इसका रंग के कारण जब ये रेत में होती है तो इसे देखना मुश्किल होता है। जो लोग इसे खाते हैं उनमें ये शार्क टेस्ट के कारण भी जानी जाती है। 18 फीट लंबी थ्रेसर शार्क, इसकी पूंछ इसके पूरे शरीर की लेंथ की आधी से भी ज़्यादा होती है। लोग कहते हैं कि अपनी पूंछ से भी हमला करती है। व्हाइट टिप रीफ शार्क, ये 5 से 7 फीट तक लंबी होती है और 18 केजी तक का वजन होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अमेजिंग, ऑसम और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।